आखिर रेखा को पिता से इतनी नफरत क्यों थी कि अंतिम संस्कार में भी नहीं गई, जानिए वजह। हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रेखा के जन्म का नाम भानी रेखा गणेशन था। 17 नवंबर 1924 में जन्मी रेखा का सिनेमा से बचपन से ही रिश्ता रहा है। उनके पिता जेमिनी गणेशन साउथ के जाने माने कलाकार थे और रेखा की माँ पुष्पावली तेलुगु एक्ट्रेस थी। रेखा अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गई थी। कहा जाता है कि रेखा का जब जन्म हुआ उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। उनका बचपन संघर्ष भरा रहा है। उनके पिता ने कभी उनकी परवाह नहीं की। पिता ने कभी रेखा को अपना नाम नहीं दिया। कहा जाता है कि रेखा के पिता ने 4 शादियां की थीं, लेकिन रेखा की मां से कभी शादी नहीं की। यह भी कहा जाता है कि पिता के इसी व्यवहार की वजह से रेखा उनसे बेइंतहा नफरत करती थीं। इतनी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। पिता जेमिनी गणेशन के साथ रेखा की जिंदगी का सबसे भावुक क्षण भी दुनिया ने देखा था। यह ऐसा मौका था जब सार्वजनिक मंच पर पिता पुत्री का मिलन हुआ था और दोनों रो पड़े थे। 1994 में 41वें फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था। जेमिनी को तमिल सिनेमा में किंग ऑफ रोमांस माना जाता था। खास बात यह थी कि जेमिनी को ये अवार्ड किसी और नहीं बल्कि रेखा के हाथों ही मिली। अनाउंसमेंट के बाद रेखा पिता को अवार्ड देने मंच पर आई। उन्होंने पहले पिता के पैर छुए, फिर उन्हें अवार्ड दिया। इस दौरान दोनों बाप बेटी की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। जैसे दोनों की आंखों से सालों का दर्द बह रहा था। रेखा का अपनी सभी सौतेली बहनों और भाइयों के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। रेखा का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। रेखा को बेहद कम उम्र में काम करना पड़ा। आज रेखा बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में एक है। रेखा आज जिस मुकाम पर है वहां हर कोई नहीं पहुंचता। अपनी फिल्मी करियर में अभिनेत्री ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिल्मी पर्दे पर अभिनेत्री की सबसे ज्यादा जोड़ी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ही हिट रही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।